तो इस वीडियो में मैं जिसका नाम लेने वाली हूँ वो है शालू गुप्ता। तो शाउट आउट टू यू शालू गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं तीन इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ अपने बालों के लिए। ये है मेथी दाना, चावल और करी लीव्स। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है। पूरी रात भिगोने के बाद मेथी दाना थोड़े फूल जाते हैं और अब मैं यहाँ पे ग्राइंड करूंगी मेथी दाना, चावल और करी लीव दोनों को। यहाँ पे मैं पानी कुछ फेंक नहीं रही हूँ, बाद में थोड़ा सा इसमें मिक्स करूंगी हल्का सा थिकनेस, क्योंकि ज़्यादा थिक हो जाता है ना थोड़ा पेस्ट बनाने के लिए। अब देख सकते हैं कि इसके ग्रैनुल्स थोड़े से मोटे होंगे, ऐसे दरदरा होना चाहिए ताकि ईजिली बालों में जब आप वॉश करते हो ना निकल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्ट करेंगे, फाइन पेस्ट होगा तो निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम बाल को सुलझाएंगे, तो जो भी नॉट्स हैं वो अच्छे से सुलझ जाएगी ताकि हम जब धोएं तो हमारे बाल ज्यादा ना गिरे। अब मैं अपने बालों को पार्टीशन करके धीरे धीरे अपने पेस्ट को रूट्स पे ज्यादा टारगेट कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं पूरे स्कैल्प पे लगाऊंगी, अच्छे से रूट्स पे लगाऊंगी। ऐसे पार्टीशन करके लगा सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने जो मेथी दाना यूज़ किया है, मेथी दाना किस लिए अच्छा होता है, उसमें आयरन होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन देता है अपने बालों को, ग्रोथ के लिए बहुत ही सही रहता है, हेयर फॉल के लिए प्रॉब्लम को भी मतलब कम कर देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किया है वो राइस। राइस वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइस भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके हेयर फॉल को कम करता है, ग्रोथ को इंक्रीज करता है, और उसके अलावा जो होता है उसमें विटामिन बी सी ई होता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और जो हमने तीसरा इंग्रेडिएंट यूज़ किया था वो है करी लीव। करी लीव आप खा भी सकते हैं, खाने आप इंटेक भी करोगे और फिर जो लगाओगे तो उसका डबल फायदा होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है तो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और डेड हेयर फॉलिकल होते हैं उसको रिमूव करता है। तो ये सारे लगाने के बाद मैं 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी अपने बालों को, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब क्वेश्चन आता है कि आधे घंटे के बाद भी हम छोड़ सकते हैं कि नहीं, उससे ज्यादा टाइम तक लगा सकते हैं कि नहीं ताकि ज्यादा फायदा मिले। तो मैं बता दूं उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आधे घंटे के अंदर जितना भी नरिशमेंट इसको देना है वो दे देगा, उसके बाद ये सिर्फ सूखेगा और प्रॉब्लम करेगा। और आधे घंटे से ज्यादा लगाओगे आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ फायदा भी नहीं है, तो रखने का कुछ फायदा ही नहीं है। और ऊपर से ठंडा होता है तो आपको सर दर्द कर देगा अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक भी रखोगे। तो आधा घंटा एकदम आइडियल टाइम है। इस तरीके से मैंने अपने बालों को पार्टीशन करके हर एक पोर्शन में अच्छे से लगा दिया है, जहाँ मेरे रूट्स पूरे होने के बाद अब मैं आती हूँ अपने बालों की लेंथ पे। लेंथ क्यों? क्योंकि लेंथ में भी स्प्लिट एंड्स होते हैं, उसे नरिशमेंट चाहिए, नहीं तो ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम स्ट्रेंथ को भी अच्छे से लगाएंगे। यहाँ पे पेस्ट मुझे बाद में थोड़ा सा कम पड़ गया था, अपने हेयर लेंथ के हिसाब से लगाना। अच्छे से लगाने के बाद हम चिपका क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ मेथी दाना ना गिरे, रूम गंदा ना हो। आप बाथरूम में ये प्रोसेस कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शूट कर रही थी इसलिए मुझे यहाँ पे रूम में करना पड़ा। अब मैं हर एक स्ट्रेंथ को लगा लगा के ऐसे गोल गोल घुमा के ऐसे चूड़ा टाइप, चूड़ा नहीं बना रही हूँ एग्जैक्टली, मतलब ऐसे पिंड टाइप ऐसे बना रही हूँ, ऐसे चिपका दे रही हूँ ताकि मेरे मुझे कुछ और क्लिप या कवर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और देखिए मेरे बाल अच्छे से चिपक गए हैं। अब मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, ये थोड़ा सा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। उसके बाद हमें पानी से थोड़ा सा मॉइस्ट करना है और हल्के से हाथों से हल्का हल्का मसाज करना है, बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के मत करना है तो ब्रेकेज होगा बालों में। तो पहले से वो गीला कर दो हल्के से, पहले अच्छे से पेस्ट को जितना भी निकलता है उतना निकालिए, जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं निकलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, गीले बालों में ज्यादा निकालने की कोशिश करना भी मत, वो पूरा निकलने भी नहीं वाला है। मैंने यहाँ पे शैम्पू किया है, मैं यहाँ पे 2 बार शैम्पू कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे इंदुलेखा शैम्पू यूज किया, आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो जो भी आपके बालों में सूट करता है। और अब इस मैंने 2 बार धो दिया है, उसके बाद भी मेरे बालों में बहुत सारा मेथी दाना है। अब यहाँ पे मैं कंडीशनर यूज कर रही हूँ, ये है लॉरेल का फाइन वन रिपेयर समथिंग, कुछ ऐसा ही है। आप जो भी आपको सूट करता है आप वो कंडीशनर यूज कर सकते हैं। याद रखिए कभी भी रूट पे नहीं लगाते कंडीशनर, सिर्फ लेंथ पे लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथी दाना कितने सारे लगे हुए हैं और मैं निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गीले बालों में निकालेंगे ये सिर्फ टूटेंगे। अब मैंने यहाँ पे अपने बालों में सीरम लगा लिया है, वो है लिवॉन का, आप कोई भी सीरम लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे गीले बाल हैं और मेथी दाना जैसे लीके होती है ना ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं। बट डोंट वारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करना। जैसे जैसे बाल सूखने लग जाएंगे वैसे वैसे मेथी दाना अपने आप गिर जाएगा। और जैसे बाल सूखेंगे अच्छे से, देख देख सकते हैं मेरे सूखने के बाद के बाल, ये मेथी दाना इसमें दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। पर जैसे ही बाल सूख जाते हैं अच्छे से कोम कर लीजिए, जैसे कोम करोगे सारे के सारे मेथी दाना अच्छे से नीचे झड़ जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गीले बालों में मत कोशिश करना, नहीं तो आपके बाल
झड़ जाएंगे, बहुत बुरी तरह झड़ेंगे। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। और कितनी आसानी से आप मेथी दाना अपने बालों से निकाल सकते हैं सूखे बालों में, ओके, रिमेंबर दैट। तो बस आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फैमिली सबको शेयर कीजिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।